गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं वजीर आजम को क्या पड़ी वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें। वजीर आजम कहते हैं 5 जजेस या 3 जजेस से इंतखाबात करेंगे। वजीर आजम होश के नाखून लें, चीजों को मेरिट पर चलना चाहिए। कोहटा लॉ कॉलेज में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें, जब कोई रिटायर होता है तो उसको जाने दें, एक्सटेंशन क्यों देते हैं, निज़ाम इंसाफ फरसूदा हो चुका है, गरीब आदमी के लिए सिर्फ धक्के हैं। दीवानी मुकदमात के मुताले कवानीन में आम आदमी के लिए तब्दीली की ज़रूरत है। अभी जो आईनी असलाहत के हवाले से हुआ, मैं तो सोच के और शायद ये बात करना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेज हों, 3 जजेज हों, उनमें से मैं पिक एंड चूज़ करूँ कि ये फलाना चीफ जस्टिस बनेगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप होश के नाखन लेने चाहिए और चीज़ों को मेरिट पर चलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेज में से चीफ जस्टिस कोई बनता है मेरिट पर, कोई भी है, उसका 1 महीना आता है, 6 महीने आते हैं, साल आते हैं, उसको करने दें और जब वो रिटायर हो उसको जाने दें, एक्सटेंशन आप क्यों देते हैं।